So welcome to the another topic of this chapter, the rise of nationalism in Europe. Till now we have studied how the people struggled for their freedom and to bring the nationalism in their country. Now this is a new topic, that is the age of revolutions, and the age was and the years were 1830 to 48. Means this was the time of the 18 years when the people struggled for their nationalism, for the freedom of their country, and for the dignity of themselves, and for the identification of their country, and for the identification of themselves. Yani अपनी पहचान के लिए, अपनी देश की पहचान के लिए, देश में राष्ट्रवादिता को लाने के लिए, देश के प्रति प्यार को दिखाने के लिए, या देश के प्रति समर्पण की भावना के प्रति लोगों को जगाने के लिए लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी क्रांतियां की, बहुत सारे यातनाओं को झेला. सो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, वो नया टॉपिक है, वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. यानी ये एक ऐसा दौर था जिसमें कि क्रांतियां बहुत हुई, विद्रोह हुए, लोगों ने अपनी इच्छाओं को लोगों के सामने रखा कि व्हाट दे वांट, उनको किस तरह का शासन चाहिए, किस तरह. टाइम बिटवीन 1830 टू 48 इज सिंबलाइज विद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. यानी ये 18 साल का समय किसका प्रतीक माना गया, क्रांतियों का. यानी इस दौर में बहुत सारी क्रांतियां हुई, किस चीज को लेकर के, अपने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए. द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, और जैसा कि हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत बहुत सारी स्टेट्स को बनाया गया, 3 स्टेट्स थे जिसमें कि अलग अलग वर्गों के लोगों को रखा गया था. तो फ्रांस से ही विद्रोह शुरू हुआ, फ्रांस से ही नेशनलिज्म का भी आरंभ हुआ था, और उसमें भी द बॉर्बन किंग्स वर नाउ ओवर थ्रोन बाई लिबरल रिवॉल्यूशनरीज. इसमें एक राजा होते, राजा था जो कि बॉर्बन साम्राज्य से था, और बॉर्बन साम्राज्य जब इसमें उदारवादी क्रांतिकारियों का आगमन हुआ, जब वो आए देश के अंदर, तो ये जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, ये जो बॉर्बन किंग्स थे, राजा थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया. लुइस फिलिप वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. अब इसमें राजतंत्र यानी राजशाही जो तंत्र था, उसके संविधान का हेड बनाया गया, किसको, लुई फिलिप को. बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. बेल्जियम जो कि एक देश था छोटा सा, और इसको भी अलग कर दिया गया, किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, मतलब उसको एक अलग स्टेट बनाया गया, एक अलग राज्य बनाया गया. नाउ द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821. यहाँ से फिर शुरू हुआ, फिर ग्रीक में युद्ध शुरू हो गया, किस चीज़ को लेकर के, आज़ादी को लेकर के, और ये युद्ध हुआ कब, 1821 में. एंड ड्यू टू विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वॉज क्रिएटेड. अब जब युद्ध हो गया, लोगों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, तो लोगों के बीच में राष्ट्रप्रेम की भावनाएं जग गई. राष्ट्रप्रेम की भावनाएं जब वहां पर आई, तो उसमें क्या होने लगा, क्रिएटेड अमंग टू एजुकेटेड पीपल, जो लोग पढ़े लिखे थे उनको काम दिया गया, काम सौंपा गया लोगों को जागरूक करने का, कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाया जाए, और उनको जो है वहाँ उससे मिलने वाले फायदों के बारे में भी बताया जाए. सो ड्यू टू द फीलिंग्स ऑफ द एजुकेटेड पीपल, द इंडिपेंडेंस बिगन इन 1821 एंड गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. अब इन लोगों को जो है आज़ादी यानी स्वतंत्रता के संग्राम की शुरुआत करने का एक मौका मिला वो 1821 में, और इनको सहयोग मिला. सहयोग किसका मिला, फ्रॉम द ग्रीक्स से, और जो इन द अदर कंट्रीज और दूसरे जो इतने भी यूरोपियन कंट्रीज से, उनसे इनको, इन लोगों को सहारा मिलने लगा, सपोर्ट मिलने लगा स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए. नेक्स्ट, इन रिजल्ट परिणाम में क्या हुआ, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, यानी एक समझौता हुआ. इस सब का परिणाम क्या हुआ, आज़ादी को हासिल करने का परिणाम में क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसमें कि साइन किया लोगों ने, इस समझौते को जो है लोगों ने माना, इसमें 1832 में इसको पहचान मिली, और जिसकी वजह से 1832 में ग्रीस जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन. एज इन द बुक ऑल्सो इट इज गिवन दैट
Metternich was the revolutionary of the European countries. He also said that when the France sneezes, the rest of the Europe catches. यानी फ्रांस में फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप उसको पकड़ लेता है. मतलब हिंदी में अगर सोचा जाए तो यही है. लेकिन इसका मतलब ये होता था कि फ्रांस में जो कुछ घटित होता था वो रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी घटित होता था. यानी फ्रांस में जो घटनाएं होती थी वो धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप में फैल जाती थी. और जिसके जो रिजल्ट होता था वो ये होता था कि लोगों के अंदर जो है वो सारी भावनाएं आती थी जो कि फ्रांस को देख करके अंदर पनपती थी. तो इस तरह से एक एलिट वर्ग था सोसाइटी थी जो कि जिसकी एजुकेटेड था. उससे प्रेरित होकर के लोगों के अंदर एक भावना लगी किस चीज़ की स्वतंत्रता के लिए. और ये जो फीलिंग्स थी वो स्टार्ट हुई 1821 में और जिसको कि सपोर्ट मिला ग्रीक्स से और इन अदर यूरोपियन कंट्रीज दूसरे यूरोपियन कंट्रियों का भी इसको सहयोग मिला. जिसके द्वारा जो है जो ब्रुसेल्स था वो नीदरलैंड से अलग हो गया था और एक अलग साम्राज्य बन गया था. एंड इन रिजल्ट इसका भी परिणाम ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में एक समझौते के ऊपर साइन हुआ लोगों को जिसके द्वारा जो है ग्रीस को एक पहचान मिली, एक अलग राष्ट्र के रूप में उसको पहचान मिली एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में. अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, ये जो विषय पढ़ा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस पार्ट्स आल्सो ये डिवाइडेड इनटू थ्री सब टॉपिक्स. ये जो है थ्री सब टॉपिक्स में बटा हुआ है. फर्स्ट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग, मीन्स रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना. दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज हंगर हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, यानी भूख परिश्रम और आपका प्रसिद्ध जो उसमें रिवोल्ट हुए थे विद्रोह हुए थे. एंड नेक्स्ट इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल, और इसका जो आखिरी जो भाग है वो है क्रांति किस चीज की, किस लोगों की, उदारवादी लोगों की. तो इस तरह से दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. ये इंट्रोडक्शन था टॉपिक का द एज ऑफ रिवॉल्यूशन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स.